फ्रेंड्स, दीपिका की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लखनऊ के फेमस खस्ते, और हमको इसके लिए मटर और आलू मसाले की सब्जी, और हम खस्ते के लिए ये तैयारी कर रहे थे। और सबसे पहले हम बनाएंगे मसाले वाले आलू, जिसके लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ले रखा है। तेल, ये हमारा तेल गर्म हो गया है, और अब हम इसमें हींग डालेंगे 1 पिंच, और जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। जीरा फिर चटकने तक हम इसको मीडियम आंच में भून लेंगे। में हम रख ली चॉप हरी मिर्च डालेंगे, ये हमने 2 मिर्च ली है। अब हमने जो हमने छिलके के साथ ही काट लिए थे, ये 4 मीडियम आलू है जो हमने छिलके के साथ काट लिए थे। इसको अब हम ढककर अच्छे से मिक्स कर चला लेंगे। फिर इसको हम ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको भी पकाएंगे, तब तक हम जब तक हमारे आलू हो रहे हैं तब तक हम आटे को गूंद लेते हैं। इसके लिए हमारा ये 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने मैदा लिया हुआ है, और उसमें हम 1/4 कप ऑयल डाल रहे हैं, और इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये सोते हैं, ये ऑयल जो हमने डाला था ये मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, और हमें इस तरह से करके देखना चाहिए इसमें हल्की सी चिकनाहट आ गई हो, तो समझिए हमारा ये ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छा मुलायम डो बना लेंगे। जैसे हम पराठे के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही डो तैयार करना है। ये देखिए हमारा स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने रख देंगे। तब तक आइए हम देखते हैं हमारा आलू क्या हुआ। ये देखिए हमारा आलू भी थोड़ा थोड़ा पक गया है, हल्का लाल भी हो रहा है, और हमें थोड़ा सा और इसको अब खोल के लाल करेंगे। वैसे हमारे आलू हो गए हैं, अब हम इसे खोल के थोड़ा सा लाल करेंगे। जब तक हमारा आलू का थोड़ा सा कलर चेंज होता है, लाल होता है, तब तक हम आइए इस मटर की भी तैयारी कर लेते हैं, जो कि हमने पहले से तैयार कर रखा है। इस मटर को मैंने 5 से 6 घंटे भिगा के फिर उसके बाद भिगा के फिर हमने इसको थोड़ा सा नमक डाल के 2 सीटी लगा दी है, और ये हमारा इतना पक गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून मसाले, ये गरम मसाले हैं, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमने काला नमक, और इसमें 1 हरी मिर्च डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी मटर अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गई है, ये हमारी मटर रेडी हो गई है। अब हम अपने आलू की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी आंच तेज करते हैं, और हम देखिए ये हल्के सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, ये स्वाद अनुसार हमने नमक डाला, अब 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, हम ये दमालू मसाला हमने 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं, ये छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, ये 1/2 चम्मच हमने काला नमक ले लिया है। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और कितना प्यारा सा कलर आ गया है। हमारे ये मसाले वाले आलू तैयार हो गए हैं।
और हम इसमें से हींग की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और दमालू मसाले की भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए हमारा ये आलू तैयार हो गया है। अब इस आलू को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने इसमें निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में, ये देखिए हमारी कढ़ाई एकदम साफ है, और ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें अब खस्ते को फ्राई करना है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम आटे को अपने देखते हैं। ये देखिए हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। हमको इसे रखे कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें फिलिंग भरने के लिए हमने ये मूंग की दाल जो मैंने 5 से 6 घंटे भिगा के फिर एकदम उसमें से पानी निकाल के सूखे सूखे पीस ली थी। अब इसमें अगर आपकी दाल कभी गीली हो जाए तो आप इसमें बेसन भी मिला सकते हैं। उतना बेसन मिलाइए जब तक आपका इस फॉर्म में ना आ जाए। थोड़ा सा डो आपका इस तरह से होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिलिंग भरने में हमें इजी होगा। चलिए अब हम अपने खस्ते की तैयारी करते हैं। अब हम इस डो से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और फिर हम इस फिलिंग को इसके बीच में रख के खस्ते के लिए तैयार करेंगे। कर लिए हैं, हल्का सा हम इसको मैदे से डस्ट करेंगे और ऐसे बनाएंगे कि बीच में हमें गड्ढा मिल जाए जिससे हम ये फिलिंग्स को इसमें स्टफ करेंगे। ये देखिए हमको कम से कम आधा चम्मच इसमें फिलिंग्स को डालना है, फिर ये अच्छे से हम पैक कर देंगे कि हमारी फिलिंग कहीं से बाहर ना आए, और बढ़िया से हमको इसको कवर करना है। देखिए हमने कुछ लोइयां तैयार की हैं। अब हम इसमें हल्का सा इसको डिप करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से राउंड राउंड करके इसको बेल लेंगे। हमें इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो हमारी दाल चारों ओर से निकलने लगेगी, इसलिए हमको बस हल्के हाथों से बनानी है। और हम अब चेक करते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं, इसलिए हम डो में से थोड़ा सा टुकड़ा लेके ऑयल में डाल के देखेंगे हमारा तेल हुआ है कि नहीं। हाँ, बस इसी टेम्परेचर पे हम अपने इन खस्ते को डाल देंगे। देखिए अब हम इसको पलट देंगे और इसका भी हल्का सा कलर जैसा इस तरफ हो गया उस तरफ हो जाएगा, तो हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इससे सेम कलर का हो गया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे फिर से फ्राई करेंगे जिससे ये हमारे खस्ते एकदम कड़े और कुरकुरे बने और फिर इसका टेस्ट और ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कुछ पूरियां इसी तरह जिस तरह हमने कल के खस्ते निकाल लिए थे, अब जो पहले खस्ते हमने निकाले थे वो थोड़े ठंडे हो गए, उन्हें हम हल्का अब डाल के लाल कर लेंगे जिससे ये खस्ते हमारे करारे हो जाएं। इसे धीमी आंच में हल्के हल्के पकने देना है जिससे कि हमारे खस्ते एकदम क्रिस्पी और करारे हो जाएं। ये जितने ही क्रिस्पी होंगे उतने ही टेस्टी लगेंगे। और देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, ये हमने लो आंच में पकाया है, इसका बढ़िया सा सुनहरा कलर होने तक पकाना है। देखिए हमारे खस्ते कितने अच्छे सुनहरे कलर के हो गए, कितने प्यारे कुरकुरे लग रहे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये हमारे खस्ते तैयार हो गए हैं और अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम आगे और जो हमारे खस्ते उन्हें और तैयार कर लेते हैं, और जो हमारे खस्ते तैयार हो गए थे अब हम उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने ये देखिए प्लेट तैयार कर ली है। हम इस तरह से खस्ते को सर्व करेंगे। और बस आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा
और हम आपके आपको नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। इसे बनाइएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी मैंने अपनी सासू माँ के हाथों से सीखी है। इस डिश को ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।